अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फोकस करो, ये कौन सा है रूल जो सौ यहाँ रखा मैंने और यहाँ ताला लगा दिया इनने? ये ऐसी प्रशासन रहती है क्या? घंट क्या तुम्हारी पढ़ाई का? क्या हो गई? नारेबाजी हो गई? ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, बस आप बोलो। भैया आप पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, आप फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फोन लगाएंगे के चार लोगों के नाम है भाई, क्या क्या करना है? अभी यही सेटिंग हो जाएगी सलाह, यहीं से पैसे आ जाएंगे और यहाँ कोई कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही है। आरोपियों में भी है और इससे ज्यादा जानकारी आपको क्या चाहिए और कौन से सबूत चाहिए आरोपी के नाम? और कल से यदि वो कुछ उनको हो गया है ऐसे ही मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो भी अकेले हैं, उनके भी कोई भाई नहीं है और मैं भी अकेला हूँ। यदि मेरे साथ हो गया तो मेरा घर कौन संभालेगा? प्रशासन तो नहीं ले सकती जिम्मेदारी, क्योंकि अभी नहीं ले रही है। अभी आपने एक 22 तारीख की कॉपी है और एक 25 तारीख की है। मेरे पिताजी ने आवेदन दिया था, दो जगह दिया है, एक डीएम के थाने पर, ठीक है, तहसीलदार साहब। अब दोनों को आवेदन देने के बाद सर, सियापुरा में एक मुद्दा मामला आया था, परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सो रखकर काफी देर तक नारेबाजी भी की, क्या कुछ पूरा विषय था और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? ये एक हमारे किसान भाई ने अनफॉर्चुनेटली आज सुबह आत्महत्या कर ली और इसी विषय में ये मैटर था। ये संज्ञान में आया कि 22 जून के आसपास इन्होंने एक आवेदन जन सुनवाई में दिया था, जिसके कारण जनता आक्रोश में थी कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी उसमें जांच बाकी है कि हमारे साइड से क्या कार्रवाई हुई है। विषय बल्कि अब दो हैं, एक विषय ये है कि जो पुराना आवेदन दिया गया था उसमें क्या कार्रवाई हुई है, और दूसरा विषय जो आज उत्पन्न हुआ है कि ये आत्महत्या जो है तो इसके क्या कारण है और क्या इसमें कोई और जांच करने की जरूरत है। तो दोनों विषयों में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द एक जाँच दल गठित किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उसका निष्कर्ष निकाल के जाँच दल का एक जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने रखें। सर, परिजनों का आरोप है इसमें, देखिए अब सोशल मीडिया में वीडियो भी है और काफ़ी सारी बातें हैं, बट अभी मौके पर कुछ कहना सही नहीं होगा क्योंकि जांच के बिना हम बोल नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। बट जितने वीडियोज़ हैं, जितने एविडेंसेज हैं, वो हम संज्ञान में लेंगे और उस पर प्रॉपरली जांच करेंगे। ठीक।